तुमने घर के तुमने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? दोस्तों, जहां पर देश में हिंदू मुस्लिम बवाल मचा हुआ है, वहीं देश के नेता आपस में लड़ रहे हैं। जहां बीजेपी नेता लगातार अपनी गलती दूसरों पर डालते हैं, आज भी वही कर रहे हैं। पूरे देश के मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान हैं, उनके लिए कोई बातें नहीं करता है। देश में बेरोजगारी है, उस पर बीजेपी नेता कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे पर इल्जाम लगाना नहीं भूलते हैं। इसका वीडियो आपको देखना चाहिए दोस्तों। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लगभग 23 महीने जेल में रहने के बाद जेल से छूटकर बाहर आए हैं, जिनके आते ही यूपी की राजनीति में एक अलग गर्माहट आ गई है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने आजम खान का मुद्दा उठाया है। अखिलेश का कहना था कि जानवर चोरी जैसे मुकदमे लगाए गए थे, लेकिन न्यायालय से उन्हें रिहाई मिली है। आजम खान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, ऐसे शख्स पर झूठे मुकदमे लगाए गए, मेरी भी सरकार है, लेकिन हमने दबाव बनाकर मुकदमे नहीं लगाए। सिर्फ राजनीति के लिए मुकदमे नहीं लगाने चाहिए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विपक्ष पर निशाना कसते हुए कहा कि आप बस लोगों को डराना चाहते हैं, आप अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चाहते हैं। इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद में जमकर बहस हुई, जिसका वीडियो आपको देखना चाहिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई, बताइए। फोर लेन किसने बनाई, बताइए। माननीय सदस्य जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं, 2027 में चुनाव आएगा। मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुमने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? यूपी विधानसभा में सदन की कार्यवाही चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अपना भाषण दे चुके थे। अब सदन में बोलने के लिए खड़े हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा। इस पर अखिलेश तमतमा कर खड़े हुए और बोले, अध्यक्ष जी, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, ये भूल गए हैं कि इनके जिले के मुख्यालय की सड़क किसने बनाई, बताइए किसने बनाई, फोर लेन सड़क किसने बनाई, बताइए। इसके बाद केशव मौर्य ने चेयर को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी, कृपया नेता प्रतिपक्ष को ये बता दीजिए कि ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं, 2027 में चुनाव होंगे और मैं तो ये मानता हूँ कि कमल खिलेगा, आपका भविष्य अभी नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेसवे किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जिसे लगता है अपनी सैफई की जमीन बेचकर सब बनवा दिया था। केशव मौर्य का इतना कहना भर था और पक्ष विपक्ष दोनों में हल्ला मच गया। तब तक फिर से अखिलेश तमतमा कर खड़े हुए और इस बार अखिलेश ने जो कहा उसने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया। तुम अपने घर से अपने पिता के पैसे लेकर आए थे सड़क बनाने के लिए, तुमने राशन कार्ड बांटा तो क्या पिताजी से पैसे लाए थे? हाँ, क्या बात है। हाँ, हंगामा इतना मचा कि विधानसभा अध्यक्ष को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अध्यक्ष दोनों तरफ के विधायकों को शांत करा रहे थे, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं था। हालांकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इतने शोर में बैठना ही मुनासिब समझा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM News Express।